राधे राधे एवरीवन, आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, सकट चौथ व्रत को हम तिलकुटनी का व्रत, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, तिलकुटनी का व्रत, ये सभी नामों से जानते हैं। सकट चौथ का जो व्रत है ये माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को किया जाता है। महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं, और जिन महिलाओं की अभी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत इस वर्ष कब किया जाएगा, व्रत में चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस व्रत के क्या क्या नियम है, कौन महिलाएं सकट चौथ का व्रत करती हैं और कौन नहीं करती हैं। इसके साथ ही अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको शुरू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वर्ष यानी 2024 में सकट चौथ व्रत कब किया जाएगा और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो देखिए, इस वर्ष यानी 2024 में 29 जनवरी को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। 29 जनवरी को सुबह 6:10 से संकष्टी चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी और 30 जनवरी को सुबह 8:26 तक संकष्टी चतुर्थी रहेगी। तो जो संकष्टी चतुर्थी है, जो सकट चौथ है, वो हमें 29 तारीख को सूर्य उदय होने से चंद्रोदय तक हमें पूरा दिन संकष्टी चतुर्थी प्राप्त हो रही है, इसलिए हम 29 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ का व्रत करेंगे। और सकट चौथ व्रत में 29 जनवरी को जो चंद्रोदय का समय रहेगा वो 9:10 रहेगा। तो देखिए, दिल्ली के आसपास एनसीआर में 9:10 का समय है, बाकी सब जगह थोड़ा बहुत 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है। जो एवरेज है वो यही रहेगी कि 9:10 के आसपास सब जगह पर चंद्रमा निकलेंगे। तो ये तो हमने जानकारी ले ली है कि व्रत कब होगा और चंद्रोदय का समय क्या होगा। अब हम जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी यानी तिलकुटा चतुर्थी, तिलकुटनी चतुर्थी या माघी चतुर्थी का व्रत हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सकट चौथ व्रत 29 तारीख को करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो 29 तारीख को सुबह सुबह उठकर अपने घर के काम कर लेंगे सारे, जल्दी जो भी आपके काम है वो सब निपटा लीजिएगा। उसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ साफ कपड़े पहन के फिर हम गणेश जी का पूजन करेंगे, सकट चौथ माता की कथा हम सुनेंगे। और देखिए, आप पूजन 10-11 बजे तक, 12-1-2-2.5 बजे तक, मतलब किसी भी टाइम सुन सकते हैं। दिन में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सुनना जरूरी है, आप आराम से अपना काम वाम निपटा के आराम से तैयार होके कथा सुन लेंगे, पूजा कर लेंगे, कथा कहानी सुन लेंगे। कथा कहानी सुनने के बाद हम अपनी सासू जी के लिए बायना निकाल देंगे और सासू जी को बायना दे देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप बायना अपनी जिठानी को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं, या आप मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। तो किसी को भी आप ये जो बायना है वो दे देंगे। कहानी सुन के फिर उसके बाद चाय पानी पी लेते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये निर्जल व्रत नहीं होता है, चाय पानी इस व्रत में पी लेते हैं। तो दोपहर में आप लोग कहानी सुन लेंगे, उसके बाद चाय पानी पी लेंगे। और अगर कोई बीमार है या आप प्रेग्नेंट है तो फिर आप फल फ्रूट भी जरूर खा लीजिएगा। नॉर्मली नहीं खाते हैं, जो स्वस्थ होते हैं वो तो सिर्फ चाय पानी पीते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आप फल फ्रूट जरूर खा लीजिएगा। तो इस तरह से हम पूरा दिन व्रत करेंगे। रात को जब चंद्रमा निकलेंगे उस समय पर चंद्रमा को अर्घ देके और फिर हमें अपने व्रत का पारण करना है। चंद्रमा उदय होने का जो समय है वो मैंने आपको बता ही दिया है, 9:10 पर चंद्रोदय का समय है इस बार। तो तब आप चंद्रमा का पूजन करेंगे, चंद्रमा को जल सींचेंगे, उसके बाद फिर व्रत का पारण कर लेंगे। तो इस तरह से हम व्रत करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार आप जैसे व्रत करेंगे फिर हर बार आपको वैसे ही व्रत करने हैं। तो जो भी नियम ले पहली बार में थोड़ा संभल के नियम ले, मतलब ऐसा भी ना ले, अगर आप एक बार निर्जल व्रत कर लेंगे तो फिर आपको हर बार निर्जल व्रत करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जब पहली बार व्रत करें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के व्रत करें। तो इस तरह से व्रत किया जाएगा। और देखिए, सकट चौथ व्रत कब शुरू किया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले के लोग तो ना जब बेटा पैदा होता था उसके बाद सकट चौथ व्रत करते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बेटा बेटी सब बराबर है, संतान होनी चाहिए, संतान के लिए व्रत किया जाता है, सिर्फ बेटों के लिए नहीं किया जाता, बेटी भी उतनी महत्वपूर्ण है। तो आपके चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपको सकट चौथ का व्रत जरूर करना है अपनी संतान के लिए। इसके साथ ही अगर अभी तक आपके पास संतान नहीं है तो सकट चौथ माता से संतान प्राप्ति के लिए हम सकट चौथ का व्रत करते हैं, यानी कि शादी के बाद सभी महिलाओं को सकट चौथ का व्रत करना चाहिए और सभी महिलाएं करती भी हैं।
पूरा दिन हमें व्रत करना है। चाय पानी आप कहानी सुनने के बाद पी सकते हैं। रात को चंद्रोदय होगा, चंद्रोदय होने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना है और फिर उसके बाद आपको खाना खाना है। तो इस तरह से व्रत किया जाएगा। दिन में हमें गणेश जी का पूजन कैसे करना है, कहानी कैसे सुनिए, उसका सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब देखिए सकट चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं। हर एक व्रत के, जो भी व्रत या संकल्प हम लेते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। तो सकट चौथ व्रत के क्या क्या नियम है अब हम वो जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ व्रत के नियम क्या होते हैं। सकट चौथ का जब व्रत किया जाता है तो उस दिन महिलाएं अपना सिर जरूर धोती हैं। सिर धोके हमें नहाना होता है, सिर धोके ही वे व्रत किया जाता है। दूसरा है कि सकट चौथ व्रत के दिन महिलाएं सुई धागे का काम बिल्कुल नहीं करती हैं, सिलाई करने का काम बिल्कुल नहीं करती हैं। इसके साथ ही जो चरखा कातते हैं ना, सूत कातते हैं, आजकल तो बहुत कम है, ये देखने को ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी पहले के लोग जो सूत कातते थे ना, सूत कातने का काम भी सकट चौथ व्रत के दिन नहीं किया जाता है। और इसके साथ ही मिट्टी की खुदाई नहीं की जाती है। तो कुछ ये ऐसे काम है जो महिलाओं को इस दिन नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही आप इस बात का ध्यान रखिए कि पहली बार आप जैसे व्रत करेंगे हमेशा फिर आपको आगे वैसे ही व्रत करना है। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही आप व्रत करें। और अगर आप बीमार हैं या प्रेग्नेंट हैं तो फिर आप फल फ्रूट जरूर जरूर खा लें। मतलब अपनी सेहत को आप इग्नोर ना करें, आप फल फ्रूट खा के भी ये व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें व्रत करना है। बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाएगा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं व्रत नहीं कर सकती तो तब हम क्या करें। तो ऐसे में व्रत तो जरूर करना है। और आप कहानी थोड़ा दूर बैठ के सुन लीजिएगा, आपके नाम का जो अर्घ है वो किसी और से आप दिलवा दीजिए। यानी कि व्रत तो आपको हर कंडीशन में करना ही करना है, सभी महिलाएं ये व्रत जरूर जरूर करती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी सकट चौथ व्रत के विषय में कुछ जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सकट चौथ व्रत की कहानी जरूर जरूर सुनना। कहानी का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि सकट चौथ व्रत में कहानी सुनना अनिवार्य होता है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सकट चौथ माता, राधे राधे।